नेताजी का भौकाल जितनी चीजों से बनता है उसमें एक चीज होती है सुरक्षा। आखिर उनको कितने जवान मिले हुए हैं, जितने हैं उनमें से हथियारबंद कितने हैं और हथियारबंद जवानों के पास हथियार कौन से हैं। सबसे ज्यादा रौला होता है उन नेताओं का जिनके पास काली वर्दी वाले ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। सुरक्षा के भौकाल में ब्लैक कैट कमांडो सबसे बड़ा तमगा है। वो छिन जाए तो बड़ा दुख होता है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हो रहा है। हाल ही में वे राजस्थान से राज्यसभा के लिए भी चुने गए हैं। मगर सवाल उठता है कि कैसे तय होता है कि एक नेता को कितनी सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा लेने के बाद वापस क्यों ले ली जाती है। आज हम यही आपको बताएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को सुरक्षा देने का काम सरकार का होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी एजेंसियों के मार्फत लगातार ऐसे लोगों पर खतरे का अंदाजा लगाती है। खतरा किसी भी तरह का हो सकता है, बाहरी या अंदरूनी, मसलन आतंकवादी या अपराधियों से, या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से। जब सरकार को लगता है कि किसी नेता को जान का खतरा पैदा हो गया है, तब वो देखती है कि खतरे से निपटने के लिए किस तरह की और कितनी फोर्स चाहिए। भारत में वीवीआईपी सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करने वाली वैसे तो कई एजेंसियां हैं, मगर इनमें सबसे प्रसिद्ध है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी। इसका काम है भारत के प्रधानमंत्री, उनके परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करना। इसके अतिरिक्त एसपीजी किसी और वीआईपी की सुरक्षा में नहीं लगाई जाती। दूसरे भी वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार स्थानीय पुलिस के जिम्मे रहती है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियों के जवान लिए जाते हैं, मिसाल के लिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और जरूरत पड़ने पर एनएसजी। हमने शुरुआत एसपीजी से की थी। इन सूट बूट वाले लोगों के हाथ में आपने एक ब्रीफकेस भी देखा होगा। पक्का आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर इसमें होता क्या है, क्या ये दो जोड़ी कपड़े लेकर चलते हैं? दरअसल नहीं, दरअसल ये ब्रीफकेस होता ही नहीं है। ये एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है जो पूरी तरह खुल जाता है और रक्षा कवच का काम करता है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका काम ये है कि अगर कोई हमला हो जाए तो सुरक्षा कमांडो फौरन इसे खोलकर वीआईपी को कवर कर लें। ये ब्रीफकेस उर्फ बैलिस्टिक शील्ड किसी भी तरह के हमले से सुरक्षा करने के लिए सक्षम होती है। इस ब्रीफकेस में गुप्त जेब भी होती है जिसमें एक पिस्तौल होती है। अब आपको ये बताते हैं कि कितनी तरह की सुरक्षा होती है। पहली, जेट प्लस। इस कैटेगरी में सबसे तगड़ा सुरक्षा घेरा मिलता है। चुनिंदा लोगों को मिलने वाली सुरक्षा में हर वक्त कम से कम 55 जवान तैनात रहते हैं। इसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो रहते हैं। एनएसजी को वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए नहीं बनाया गया था, वो एक आतंक विरोधी दस्ता है जिसके हर जवान को 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग पास करनी होती है। हर कमांडो को ट्रेनिंग के दौरान 50,000 से 62,000 जिंदा कारतूस की फायर प्रैक्टिस पूरी करनी होती है, जबकि किसी सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में भी इतने फायर प्रैक्टिस नहीं होती। एनएसजी की इस ट्रेनिंग और क्षमता को देखते हुए ही उसे वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए भी तैनात किया जाता है। यहाँ एक बात समझने वाली है, एनएसजी के भी कई अंग हैं। इसमें दो प्रमुख हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी कि एसएजी और स्पेशल रेंजर ग्रुप यानी एसआरजी। एसएजी में भर्ती सिर्फ सेना के जवानों की होती है जिन्हें सिर्फ आतंक विरोधी ऑपरेशन के लिए तैनात किया जाता है। एसआरजी में सेना और अर्धसैनिक दोनों बलों के जवान होते हैं। जरूरत पड़ने पर एसएजी के जवान ही वीवीआईपी सिक्योरिटी में तैनात किए जाते हैं। एनएसजी के जवान काली वर्दी पहनते हैं, बिल्ली जैसी तेजी के चलते इन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है। यहीं से वो शब्द आया है, ब्लैक कैट कमांडो। इस बात के लिए प्रयास चल रहे हैं कि एनएसजी को वीवीआईपी सिक्योरिटी से मुक्त कर दिया जाए ताकि वो अपना पूरा ध्यान आतंक विरोधी कार्रवाई पर लगा सकें। जेड प्लस के बाद आता है जेड शील्डिंग। ये दूसरे लेवल की सिक्योरिटी होती है। इसमें 22 जवान रहते हैं। इनमें 4 से 5 एनएसजी कमांडो होते हैं, बाकी के सभी लोकल पुलिस या आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवान रहते हैं। इसमें एक एस्कॉर्ट कार भी होती है। फिर वायु श्रेणी, ये तीसरे लेवल की सिक्योरिटी होती है। इसमें सिक्योरिटी में 11 पुलिस पर्सनल रहते हैं, 1 से 2 कमांडो रहते हैं और 2 पर्सनल सिक्योरिटी अफसर भी रहते हैं। इसके बाद आती है एक्स श्रेणी, ये चौथे लेवल की सिक्योरिटी होती है जिसमें 2 पुलिस पर्सनल रहते हैं जबकि कोई कमांडो नहीं होता है। तो ये तो हो गए सिक्योरिटी के अलग अलग लेवल। अब बात करते हैं पैसे की। मतलब ये सब मुफ्त का खेल है क्या, या सुरक्षा लेने वालों को कुछ भुगतान भी करना होता है? तो जवाब है कि जब सरकार खतरा देखते हुए सुरक्षा प्रदान करती है तो इसका खर्च सरकार ही उठाती है। लेकिन जब लोग अपनी जान को खतरा देखते हुए सुरक्षा की मांग करते हैं तो उन्हें इसका बिल चुकाना होता है। इस समय भारत में सिर्फ 4 लोग हैं जिन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। जी हाँ, इसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी नहीं है।
मतलब इसे पाना कोई हलवा काम नहीं है। तो ये थी सिक्योरिटी के तीन जाम की पूरी कहानी। ऐसे और तमाम वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉक के साथ। शुक्रिया।